नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं MMC न्यूज इंडिया। नाजरीन, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं इनकलाफ के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब। आज हमसे जो महमूद मदनी ने जमीयत से इस्तीफा देने का फैसला किया, इस पर कुछ खास बातचीत करेंगे। मुमताज साहब, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत खैर मकदम है। मुमताज साहब, जो महमूद मदनी ने जमीयत से इस्तीफा देने का फैसला किया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये खबर अभी 100% हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बराह रास्त मीडिया में बात नहीं की है महमूद मदनी ने। एक ख़बर सोशल मीडिया के ज़रिए और कुछ ख़ास लोगों के ज़रिए ये ख़बर आई कि मौलाना सैयद महमूद मदनी ने जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है जी। और जब हम तक ये ख़बर पहुंची तो मैंने तस्दीक करने के लिए कुछ लोगों से फ़ोन किया। मैंने ख़ुद महमूद मदनी को फ़ोन किया, मैंने और जमीयत के ज़िम्मेदारान से, लेकिन एक से बात हुई मेरी और ये तस्दीक हो गई कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है जी। इसके बावजूद इनकलाब में मैंने जब खबर लिखी तो बहुत एहतियात बरती। मैंने ये जानना चाह रहा था कि आखिर इसकी वजह क्या है, लेकिन कुछ वजूहात जो मुझे महसूस हुई वो बिल्कुल सामने की हैं। देखिए, इस्तीफ़ा जो दिया है, जो लाइन सोशल मीडिया पर चल रही है वो ये है कि उन्होंने सदर जमीयत उलमाए हिंद को अपना इस्तीफ़ा सौंपते हुए ये कहा कि मैं नाअहल साबित हुआ हूँ, और इनके सारी एक तरीके से बहुत, और इस वजह से मैं अब मुस्ताफ़ी होता हूँ। देखिए, पिछले दिनों से मैं देख रहा हूँ कि मैं एक चीज़ और पहले क्लियर कर दूं, जो मैंने इंकलाब में भी लिखी है, और चूंकि मैं शुरू से जमीयत को देख रहा हूं, ख़ास तौर से कि जब दोनों अलग हुई, मैं पहले दिन का गवाह हूं, और मौलाना महमूद मदनी अलग जमीयत चला रहे थे, वो जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जमीयत उलमाए हिंद चला रहे थे जी। और मौलाना सैयद अरशद मदनी वो भी जमीयत उलमाए हिंद चला रहे थे, लेकिन वो सदर के तौर पर। तो मेरी नज़र में हमेशा एक की हैसियत जनरल सेक्रेटरी की रही है, जमीयत की, मैं अलग अलग जमीयत की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी ख़बरों में शायद ही बहुत जहाँ पे नागुजुर चीज़ हो गई होगी वहाँ पे मैंने लिखा होगा, वरना मेरी तमाम ख़बरों में, पिछले 10 साल की ख़बरों में जी, 11 साल की, एक को जनरल सेक्रेटरी और दूसरे को सदर लिखता आया हूँ। तो दोनों की हैसियत तकरीबन बराबर जमीयत में थी, मतलब हैसियत से मुराद की ओहदे के एतबार से, एक जनरल सेक्रेटरी और दूसरे सदर। जो लोग थे सदर या जो जनरल सेक्रेटरी मौलाना अरशद मदनी में थे या जो महमूद मदनी की जमीयत में सदर थे, वो भी अपने ही लोग थे, वो जमीयत के लोग ही थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए हैं, उनकी भी अपनी हैसियत है, ऐसा नहीं है कि मैं उनको नज़रअंदाज कर रहा हूँ, लेकिन मैं शनाख्त की बात कर रहा हूँ कि दोनों की अपनी शिनाख्त मुसल्लम रही। इस दौरान बड़े बड़े काम भी हुए, मैंने कई बार लिखी कि जमीयत के अलग होने से ऐसा नहीं हुआ कि दोनों कमज़ोर पड़े, दोनों ने अपने अपने मैदान में काफ़ी काम किए। मैं खुद कवर करता था, मैं दोनों जमीयत को कवर करता था जी, तो दोनों ने काम भी किए। देखिए, मौलाना महमूद मदनी साहब एजुकेशन की फील्ड में जितना काम कर रहे हैं मैं जानता हूँ जी, बहुत काम कर रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं मैं उसको भी जानता हूँ, लिखता रहता हूँ। तो बहरहाल इस्तीफ़ा दिया है, मेरे नज़दीक यही है कि जो पिछले दिनों हुआ, मिसाल तौर पर एक बड़ा वाकया ये हुआ कि जो मौलाना महमूद मदनी की जमीयत है, उनके आसाम के सदर जो AIUDF भी चलाते हैं पार्टी और रुकन पार्लियामेंट भी हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने पार्लियामेंट में जो जमीयत अहले हदीस के ताल्लुक से बयान दिया जी, और उनको दहशतगर्द कहा, और ये कहा मुझे मालूम है कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, और ये उसका पूरा बयान दिया, जिसके बाद से गिरफ्तारियाँ भी काफ़ी शुरू हुई, तो उससे पूरी दुनिया में जमीयत उलमाए हिंद का नाम ख़राब हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी वजह ही से इस्तीफ़ा दिया होगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ ऐसा, और इसका एतराफ़ खुद मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने किया जी। उन्होंने जब रियलाइज़ किया तो उस पर माफ़ी मांगी, और उन्होंने ये कहा कि मुझसे गलती हुई, एक ये चीज़ हुई। इससे पहले भी एक वाकया मौलाना महमूद मदनी
का पेश आया कि जब उन्होंने मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के जो सदर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको ये कहा कि वो हैदराबाद ही में सियासत करें और इधर उधर आने जाने की कोशिश न करें, और इस तरीके से तो उस पर काफ़ी हाय तवा मची। तो ये सवाल किया गया कि आप की जो जमीयत के सदर हैं आसाम के बदरुद्दीन साहब, वो भी सियासत करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे जी। तो कहा कि वो भी बस आसाम में रहें और इधर उधर जाने, तो इससे एक तलखी खटास पैदा हुई। तो इस तरीके की चीज़ें कुछ हुई जी। फिर इसके अलावा तमाम कॉन्फ्रेंसों में और तमाम लोगों में एक सवाल भी उठाया जा रहा था कि आखिर क्या वजह है कि मौलाना महमूद मदनी और मौलाना अरशद मदनी एक नहीं हो रहे हैं, जबकि हालात इतने ख़राब हैं। अच्छा, जब आप एक खुद नहीं हो रहे हो तो दूसरों के एक प्लेटफॉर्म पर लाने के कैसे बात कर सकते हो? ये सवाल बहुत अहम था जी। हालांकि मैंने भी बहुत कोशिश की और जिसका नतीजा ये निकला, मैं ये नहीं कहता कि उनकी कोशिश न रही होगी, लेकिन मैंने भी काफ़ी इसमें मेहनत की, कोशिश की कि दोनों एक साथ आएँ और आए भी जी। ईद मिलन में पहली बार मैंने खबर ब्रेक की थी कि मौलाना महमूद मदनी मौलाना अरशद मदनी की दावत पर जाएंगे, और फिर उसके बाद अरशद मदनी गए, और यही ये मामला नहीं रुका बल्कि महमूद मदनी का ये बड़कपन है, उन्होंने फिर अपनी कॉन्फ्रेंस में, बड़ी कॉन्फ्रेंस में उन्हें इनवाइट किया बतौर जमीयत सदर, यानी उनका भी सदर है और इनको भी मुखातिब करना कि जमीयत उलमा हिंद के सदर। फिर अभी जब 100 साल मौलंकर हाल में हुआ तब भी उन्हें बतौर सदर इफ्तिताह भी कराया और दुआ भी कराई, तो ये सारा मंजरनामा हुआ। तो मेरे ख्याल से यही है कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई अलग अलग क्यों आप हैं, आप एक क्यों नहीं होते हैं, कैसे ऐसे आप लड़ाई लड़ेंगे, कैसे आप दूसरों को एक साथ लाने की बात करेंगे जब आप अपने इख्तलाफात दूर नहीं कर पा रहे। मेरे अपने ख्याल से तो हो सकता है कि मौलाना महमूद मदनी ने इस्तीफ़ा दिया हो, अब कोई असर नो मामला बने और फिर सब मिल बैठें और फिर ये हो भाई अब जमीयत का एक नया जो है वो इंतखाब हो, और नए इंतखाब में मुझे यकीन है कि मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को सदर बनाया जाएगा और मौलाना महमूद मदनी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर फिर फायज होंगे, और यही होना चाहिए। दोनों की शिनाख्त है, दोनों ने काफ़ी दोनों मेहनत कर रहे हैं और बहरहाल बहुत बड़े बड़े काम इधर हुए हैं, चाहे वो कानूनी इमदाद का मामला रहा हो, चाहे मकानात की तामीर में, मैं कश्मीर भी महमूद मदनी साहब के साथ गया, मैं गुजरात भी अंजार गया, मैं बेंगलोर और दूसरी जगहों पर मैं इनके साथ, मैं यूपी में दौरे पे गया, दोनों के साथ मैंने सफ़र किया, मैंने इनके काम देखे। तो बहरहाल इस्तीफ़ा क्यों दिया है भी इसको वसूख से नहीं कह सकते, लेकिन अगर इस्तीफ़ा इसलिए दिया है कि अब ये दोनों जमीयत एक हो रही हैं तो कम से कम मेरे नज़दीक ये बहुत खुशी की बात होगी, क्योंकि मैं दिल से, हालांकि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं सहाफ़ी हूँ, मेरे लिए सबसे पहले खबर अहमियत रखती है, लेकिन इसके अलावा मैं, मेरा एक समाज भी है, मेरे अपने लोग भी हैं, मेरा अपना एक किरदार भी है और मेरी अपनी एक फिक्र है, तो मैं उस बुनियाद पर भी ये कहूँगा कि दोनों एक हो जाएं, ये मिल्लत की ज़रूरत है। दोनों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, मैं ये नहीं कहता, दोनों ने अच्छे काम किए हैं, हो सकता है थोड़ा इख्तलाफ पैदा हो गया हो, हुआ भी, ख़बरों में अक्सर ये हो जाता है कि मैं आपको बताऊं कि कई बार एक नाम छूट जाता है, सामने का नाम छूट जाता है, तो दूसरे दिन फ़ोन आता है, यार तुम्हें हमारा ही नाम भूल गए। तो इस तरीके की चीज़ें अखबारात में होती रहती हैं, कोई खुश होता है, कोई नाराज़ होता है, लेकिन जर्नलिस्ट जो है वो अपने एतबार से ख़बरों को लिखता है। कम से कम मैंने आज तक तासुब की बुनियाद पर कोई ख़बर नहीं लिखी है, मैंने अपनी ज़ाती आना बना करके मैंने न किसी का कभी नाम छोड़ा, न किसी की खबर छोड़ी। मैं हमेशा सहाफ़त में एक ईमानदाराना जो हमारी फ़िक्र है उसके तहत मैं काम करता रहा हूँ, लेकिन मैं बहैसियत इंसान भी मैं और बहैसियत एक मिल्लत का फ़र्द होने के नाते मैं ये कहूँगा कि अगर मौलाना अरशद मदनी और महमूद मदनी इस मौके पर
کہ جب جمعیت علماء ہند کی 7 سالہ تقریبات منائی جا رہی ہے، ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، جمعیت ایک ہو جاتی ہے، تو میرے خیال سے اس 7 سالہ کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہوگی، میں اتنا ہی کہوں گا۔ جی بہت بہت شکریہ ممتاز، شکریہ ناظرین۔ تو آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود تھے انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی صاحب، آج ہم سے محمود مدنی کے استعفیٰ پر کچھ خاص بات چیت کر رہے تھے۔ ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایم ایم سی نیوز انڈیا، نئی دلی، خدا حافظ۔